Good morning students, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video we cover the accounting principle. बेटा ये आप लोगों का सिलेबस पिछली वीडियो से जो मैंने आपको बेसिक टर्म्स सिखाई थी वो सारी आपको क्लियर हो गई होंगी और अब इसमें आप लोगों को मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझा रही हूँ. अगर आपको कोई नहीं समझ में आती तो बेटे आप कमेंट में लिख सकते हैं ताकि मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर सकूँ जिसमें आपको कमी लग रही है. ठीक है, अगर आप नए हैं और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो. क्लियर, तो टुडे वी विल स्टार्ट विद अकाउंटिंग प्रिंसिपल. सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते क्या है. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन कॉमनली इन दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं. कंसेप्ट क्या होते हैं, कन्वेंशन क्या होती हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं इन दोनों को मिला के ही बनाए जाते हैं. कॉमनली नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और इसकी शॉर्ट फॉर्म है गैप. बट ए वन मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकता है कि डिफाइन द गैप, देन यू हैव टू गिव द डेफिनेशन. इट इज अ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट आर कॉम्बिनेशन ऑफ कंसेप्ट एंड कन्वेंशन. ये बेटे आप लिख लेंगे ताकि आपको एक नंबर में मिल जाए. अब आगे करेंगे जो एक्चुअली गैप है. Define the rules that define the parameters. Parameter means account की कहाँ तक दायरा है, यानी कि उसकी पहुँच कहाँ तक है. Parameters and constraint. Constraint means accounting के limitations. But यहाँ पर कुछ तो advantages होती हैं और कुछ limitations होती हैं या कुछ हमारे पास ऐसी रुकावटें आती हैं जिसके कारण हम accounting में कुछ information को या कुछ चीज़ों को हम क्लियरली डिस्क्लोज नहीं कर सकते. तो वो हम साथ के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो करते जाएंगे. विद, अब ये है गैप का ही, विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स. एक्चुअली ये रूल्स और रेगुलेशंस वो हैं जहाँ पर अकाउंटिंग आपकी ऑपरेट करती है. क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ट्रिपल ए का मीनिंग क्लियर किया था कि अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंट. तो अकाउंटिंग कैसे ऑपरेट करती है, क्योंकि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, तो ये सारी चीजें इसमें फॉलो होती हैं. दीज प्रिंसिपल आर द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि थ्योरिटिकल आपको बताते हैं कि आपने कैसे ऑपरेट करना है. ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी होती हैं, दो होती हैं. अकाउंटिंग ऑपरेट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑपरेट. फाइनेंशियल का मीन्स द अकाउंटिंग विच आर बेस्ड अपॉन फाइनेंशियल मनी. मनी के बेसिस पे ये मैंने आपको फर्स्ट में ही पहले क्लियर किया हुआ था कि जो अकाउंटिंग है वो मनी मेजरमेंट है, यानी कि फाइनेंशियल, जहां पर आपके पैसों को या कोई भी ट्रांजेक्शन जिसको आप पैसों में मेजर कर सकते हैं हम अकाउंट्स में उन्हीं को इन्वॉल्व करते हैं. ठीक है बच्चों, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स दो स्टेटमेंट है याद रखना हमेशा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. इन दोनों से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की. क्लियर, और बैलेंस शीट से आपको पता लगती है कि आपके पास कितनी असेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं. बट अब प्रीवियस वीडियो में बेसिक टर्म्स में असेट्स और लाइबिलिटीज कंसेप्ट को मैं क्लियर कर चुकी हूँ. नाउ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक तरह से डेफिनेशन है विच इज गिवन बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, जो कि आपको अमेरिकन इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड की जाती है. तो पहले अब इसको समझेंगे, पढ़ेंगे और फिर इसको समझेंगे. Principle of accounting are the general law or rule adopted, यानी कि जो principles हैं accounting के वो general law या rule हैं जो कि adopted या proposed as a guideline, बट जो आपको मार्गदर्शन करते हैं कि आपने कैसे काम करना है. Guide to action, action का मतलब accounting process करना है. A settled ground, यानी कि पूरा previous, यहां पर कुछ जो दो word use किए थे मैंने कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, इन्हीं के बेसिस पर. कंसेप्ट का मतलब हो गया कि फॉलोइंग अजम्पशंस लेनी होती हैं, क्योंकि बगैर अजम्पशंस के आप अकाउंटिंग प्रोसेस को नहीं कर सकते. और जो कन्वेंशंस हैं ये एक तरह से आपकी आउटकम है, यानी कि कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनको इन फ्यूचर भी हम चेंज कर सकते हैं. दीज आर द फ्लैक्सीबल. ठीक है, तो यहां पर है बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिसेस. क्लियर हो गया बेटे आपको. एक तरह से सीधा मैं आपको बता दूं कि अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स हैं
उसमें क्या होता है कि आपके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिनके बेसिस पर आप अकाउंटिंग प्रोसेस को करते हैं, और उनके बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। यानी कि आपका बेसिक फंडामेंटल है। अगर आपको, जैसे मान लो आप प्लस वन में आए हैं, प्लस वन से पहले आपने जो बेस बनाया था 10th क्लास में कि हमने इंग्लिश पढ़ी, हिंदी पढ़ी, तो ये बेसिक फंडामेंटल है कि आपने स्टडी करनी है, क्यों करनी है। तो दीज कन्वेंशन एंड कंसेप्ट आर द बेसिक फंडामेंटल फॉर एनी अकाउंटिंग प्रोसेस। क्लियर? नाउ अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ये दोनों आ जाएंगे, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशन और अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर द बेसिक अजम्पशन, जो मैं आपको शुरू से कह रही हूं, कुछ अजम्पशंस होती हैं इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स, दे आर जनरली अडॉप्टेड या एक्सेप्टेड, या हर किसी के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है अकाउंटिंग रूल बेस्ड ऑन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। यानी कि कुछ एक रूल्स हैं जो मैं आपको गोल्डन रूल भी कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जिसमें आप लोगों को वो पूरी जिंदगी फॉलो करने हैं। अदरवाइज अगर वो आपको समझ में आ जाते हैं तो 50% अकाउंट्स आपको समझ में आ सकता है। तो दे आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल बेस्ड ऑन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बट क्या होता है कि ये कुछ एक रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करके आप अकाउंटिंग को ऑपरेट करते हैं, जिसके वजह से आपको अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट आया, नेट लॉस आया, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी आपने लाइबिलिटीज देनी है, कौन कौन सी आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं, कौन सी नहीं है, तो कुछ इनको क्लियरली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द फॉलोइंग दीज अजम्पशंस। क्लियर? Now we come to the accounting convention. Accounting convention are the outcome of accounting practices. Accounting practice की result होता है ये. These principle being followed by the enterprises over period of time. ये हर एक enterprises के लिए अलग अलग government भी decide करती है। अभी एक example से समझाऊंगी जो कि हर enterprises को आपको follow करने पड़ते हैं। They can be changed time to time. इनको तभी इनको कहा जाता है कि ये फ्लेक्सिबल है। दे कैन बी चेंज फ्रॉम टाइम टू ब्रिंग, किस लिए चेंज किए जाते हैं, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग में इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन, अब आप देखो इंफॉर्मेशन को बेटर तरीके से देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो हमारी एक सिलेबस में कंपनी एक्ट होता है जो कि कुछ साल पहले 1956 वाला कंपनी का एक्ट लागू किया जाता था। उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी अपनी बैलेंस शीट, अपना सारा कुछ प्रिपेयर करती थी। लेकिन पिछले 3-4 सालों में अब हम बच्चों को 2013 एक्ट करवाते हैं क्योंकि उसमें अमेंडमेंट आ गई, अकाउंटिंग कन्वेंशन हो गई। नाउ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ कंपनी हैज टू फॉलो 2013 एक्ट। और अभी एक नई अमेंडमेंट आई है 2020 में, इसी एक्ट में 2013 के एक्ट, एक DRR होता है जो आपको अभी आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा। अदरवाइज अब इसको लेके DRR, पहले आप 25% बनाते थे अकॉर्डिंग टू 2013 एक्ट, नहीं अभी लेटेस्ट जो अभी अपडेट आई है जिसमें मैंने आपको एक वीडियो भी सेंड की थी उसमें बताया था कि नाउ DRR has to be maintained by unlisted company at the rate 10%. ये अमेंडमेंट हो गई, ये कन्वेंशन हो गई। नाउ दिस चेंज हैज टू बी अडॉप्टेड बाय द कंपनी। क्लियर हो गई बच्चे? अब आगे है हमारा अकाउंटिंग अजम्पशंस। बट ये तीन अजम्पशंस हैं इसमें, उसके बाद आपकी अकाउंटिंग कन्वेंशंस आ जाएंगी। ये आपका अजम्पशंस लगा लो या कंसेप्ट लगा लो बेटा, ये जो तीनों कंसेप्ट है, अजम्पशंस हैं, आई विल सेंड यू इन द नेक्स्ट वीडियो ड्यू टू लॉन्गर टाइम पीरियड। सो इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।